बैंक 914 में रॉबरी हो रही है, 0571 रिस्पॉन्ड करे। कॉपी। कैप्टन से मेरी बात कराओ प्लीज। कैप्टन हावर्ड। कैप्टन, यहाँ पर एक इमरजेंसी है, आप तुरंत आ जाइए। ऑलराइट, अब सभी ध्यान से सुनिए। इस वक्त शहर में रॉबरी हो रही है, कोस्टल सेविंग्स एंड लोन बैंक में। हम सब ने मिलकर ये पहले भी किया है, इस बार भी हम कामयाब होंगे। तो क्या तुम सब तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं। तो फिर ठीक है, चलो चलते हैं और उन्हें मिलकर मजा चखाते हैं। खड़े खड़े थक तो नहीं गई? थक गई हो तो मदद कर सकता हूं, तुम जाओ तो यहां आकर बैठ सकती हो। पहले तुम मेरी तलवार से तो मिलो। काफी हिम्मत है तुम में। लगता है तुम्हें मैनर्स सिखानी पड़ेगी। मैनर्स मैं तुम्हें सिखाती हूं। कटाना, बस करो। यस सर। फुलझड़ी है, इसे छोड़ो और काम की बात करते हैं। तो बताओ कितना? 15 20 यही सही। मैं अपना सब दांव पर लगा सकता हूं। तुम होश में तो हो? कोई शक। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। जितना चाहे उतना वक्त ले सकते हो, क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं। अगर मैंने ये साइन किया तो इतना जान लो कि हम पीछे नहीं हट सकते। पीछे हटना मैंने सीखा नहीं। पॉन्स, मेरी बात सुन यार। तुम बिल्कुल ठीक हो, हमें कुछ नहीं होगा। बोल्ट खुला पड़ा है, हम चाहें जितना माल लूट सकते हैं, हमें ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। ये हमारे प्लान में नहीं था और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है। प्लान में तब नहीं था लेकिन अब है, समझा बॉन? तुम पागल हो गए हो क्या? चुप कर। पुलिस, यहाँ कम से कम 3 रॉबर्स हैं, जल्दी से बैकअप भेजिए। जानते हो तुम बात किससे कर रहे हो? हाँ, एक फट्टू चोर से। क्या करेगा तू, बोल। तुम दोनों प्लीज लड़ना बंद करो, इन सब के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तू अपना मुंह बंद कर। बैंक 914। हाँ, बैंक 914। तुम दोनों पागल हो गए हो? तुम ये इसे क्यों नहीं समझाते, ये कोई खेल नहीं है। देखो, हमें यहाँ से निकलना है, ऐसे झगड़ा मत करो। सुन, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे वो पैसे चाहिए और मैं उन्हें लेकर ही जाऊंगा। अपनी गन्स फेंक दो, जल्दी करो, फेंको अभी के अभी, फेंको गन्स। अरे यार, पुलिस आ गए। चारों तरफ पुलिस की फील्डिंग है, यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे हम लोग। ये पुलिस वाले भी ना। स्मिथ सुनो, उधर जाओ। यस सर। और विलियम्स, तुम उस तरफ। जॉनसन, तुम्हें ऊपर छत पर जाना है, जल्दी जाओ। मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा जब तक मैं नहीं बताता, समझे? ठीक है, रॉबर्ट से मेरी बात कराओ, देखते हैं आखिर वो चाहते क्या है। अभी करता हूं सर। हमें कोस्टल सेविंग बैंक्स के अंदर डायरेक्ट लाइन चाहिए, जल्द से जल्द। यस सर, मैं कोशिश करके देखती हूँ।
खेल शुरू करें। क्या उन रॉबर्स से कोई मेरी बात कराएगा अभी? ठीक है खेलो मत। इस पाप के लिए मैं माफी चाहता हूं फादर। तुम पिछली बार कब कन्फेस करने आए थे? तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो बेटे? हां फादर। क्या बात है? वाकई तुम ये करना चाहते हो? हम कुछ चीजें चाहकर भी नहीं बदल सकते। मैं ये नहीं चाहता था, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं था। मैं पिछले 2 सालों से बेकार हूं। मैं सब कुछ खो चुका हूं। बैंक ने मेरा घर जब्त कर लिया, मेरी कार बिक गई, और मेरा बेटा। मेरी मौत सुसाइड नहीं लगनी चाहिए फादर। फादर, बस इसी चीज की मुझे चिंता है कि मेरी मौत के बाद मेरे परिवार को इंश्योरेंस का पैसा कैसे मिल पाएगा। बस उन्हें पैसा मिल जाए, मैं और कुछ नहीं चाहता। प्लीज फादर। जर्माया 6:13, क्योंकि उनमें छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब लालची हैं। फिर चाहे वो प्रॉफिट हो या प्रीस्ट, सबके सब छल से काम करते हैं। तुम समझ पा रहे हो ना? आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। सब ठीक हो जाएगा। रुकिए फल, मेरी मौत सुसाइड नहीं लगनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। यार मैं इस कार से तंग आ चुका हूं, इसे तो मैं नहीं। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते यार।
मुझे बताओ तुम इस पर कब से काम कर रहे हो? 2 महीने से काम कर रहा हूँ। और तुम इस कार को अब तक स्टार्ट भी नहीं कर पाए हो। देखो इन वायर्स को, जरा इन सारे वायर्स को देखो, ये सब क्या है? देख मैं ये तब से कर रहा हूँ जब से तू डायपर पहना करता था, मुझे मत सिखा समझा, और अपना मुंह बंद कर। ठीक है मैं तो बस कह रहा था। तुम्हें भड़कने की जरूरत नहीं थी। ओ कम ऑन, तुमने आज क्या खाया है यार? ये तो बरेटो का कमाल है मेरे दोस्त। हद हो गई। क्या हुआ, खुशबू पसंद नहीं है तुम्हें? यार मेरा तो दम घुटा जा रहा है। क्या करूं, आज बरेटो ज्यादा ही स्पाइसी था। अपनी बकवास बंद करो। अच्छा तो तू बाहर क्यों नहीं जाता? अगर मेरी जरूरत पड़ी तो मैं बाहर हूँ। ये अमेरिकन कार्स भी एकदम बकवास है, बिल्कुल बेकार। बोन्स, वो बच्चा स्टार्टर के बारे में सही कह रहा था, बताना भूल गया था। हाँ तुम सही कह रहे हो। क्या हुआ, डर गया? तुझे लगा पुलिस वाला है? तुम बहुत बड़े लूजर हो जोई। हाँ वो तो मैं हूँ ही। तुम्हारी गाड़ी बहुत अच्छी है। बहुत महंगी है, कैसे लगी? चलो जल्दी से इस पर काम शुरू करते हैं, इसे अंदर ले। अरे रुक रुक, इतनी जल्दी भी क्या है, क्यों ना पहले इसमें एक राउंड मार के आ जाए। चल आ जा, आ जा। मजा आएगा। ठीक है तो निकला जाए। चल मेरी धन्नो। अच्छा एक बात सुनो, थोड़ी देर के लिए हमें कहीं रुकना होगा, एक छोटा सा काम है। ठीक है, ज्यादा देर नहीं लगेगी। फादर, अगर उसने इरादा बदल दिया तो? अब उसके हाथ में कुछ नहीं है। चलो मैं ये ले रहा हूँ। अच्छा सुनो, तुमने अपने स्टोव में पीनट बटर नहीं रखा है क्या? हाँ वो वहाँ रखा है ना। और सब छोड़, पैसे निकाल जल्दी, चुपचाप निकाल दे वरना कुकड़ी उड़ा दूँगा। करो मान, बकवास बंद करो और पैसे निकाल। अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो गोली तेरे भतीजे के आर पार हो जाएगी। मुझे बस सिखा सही क्या है और गलत क्या है। मेरे लिए यही सही है। चल अब जल्दी से पैसे निकाल। सुना, ये अंदर कर क्या रहा है? मुझे तेरे सारे पैसे अभी चाहिए। आखिरी बार कह रहा हूँ, जल्दी से सारे पैसे निकाल दे। ले जाओ, निकाल जल्दी, जल्दी कर, आज जल्दी चला। थैंक यू वेरी मच। अरे यार जल्दी अंदर बैठो। चल चल, अपना काम हो गया, चल चल। कभी गलती से मेरे स्टोर में दोबारा मत आना वरना उड़ा दूंगा मैं तुझे। आपकी ड्रिंक और कुछ चाहिए? आप एंजॉय कर रहे हैं ना? क्या आप लोगों को कुछ और चाहिए? नो थैंक्स। ओके। ये रही आपकी ड्रिंक, वो बोतल दी ना। ओके। ह
हाय, आपके लिए क्या लेकर आऊं? मैं क्रेवती बन लूंगा। ओके। हे, तुम्हारी फेवरेट ड्रिंक क्या है? कोई बात नहीं, तुम मेरे जैसे नहीं हो। बकवास बंद करो। इसे लगता है कि मैं इसका पीछा कर रहा हूं, जबकि यहां पर कितनी खूबसूरत लड़कियां हैं। क्या बात है, ये शहर कमाल का है। अब तुझे क्या चाहिए? तुम्हारा सवाल तो बहुत अच्छा है। क्या तुम इसे पहचानते हो? इसे रखो। मुझे छोड़ दो। नाटक मत करो। कुरिन्थियंस ने कहा है, खुद को पूरी तरह पहचान लेना एक बहुत बड़ी बात है। जब मैं छोटा था, बच्चे की तरह बोलता था और सोचता था बच्चों की तरह, और हरकतें भी बच्चों की तरह करता था। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने बचकानी हरकतें छोड़ दी। लेकिन अब मैं वो प्रतिमा हूं जो आईने में दिखती है। पर तीन चीजें कभी नहीं बदलती, उम्मीद, विश्वास और प्यार। इन तीनों में सबसे बड़ा है प्यार। तुम्हारे जैसे दुष्ट मुसीबतों को खुद न्योता देते हैं। पीछे सब कुछ ठीक है ना? सब कंट्रोल में है, बस रास्ते पर ध्यान दो और हमें हॉस्पिटल पहुंचाओ। हिम्मत रखो लॉरेन, घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या इन्हें किसी और चीज की जरूरत है? हाँ, इसका इनहेलर इसके पर्स में होगा, मैं अभी निकालता हूँ। ये देखो, मुझे मिल गया लॉरेन। ये लो। अब कैसा लग रहा है? तुम ठीक तो हो ना? मुझे डर लग रहा है। बेबी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस। तुम बस शांत रहो। मेरा बच्चा। मैम, हम 2 मिनट में पहुंच जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। ओके। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लॉरेन, बस हिम्मत रखो, हम पहुंचने ही वाले हैं। तुम कैसे हो बेटा? डैडी, मुझे डर लग रहा है, हम घर कब जाएंगे? बहुत जल्दी बेटा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, हम बहुत जल्द घर जाएंगे।
क्रिस, शायद तुम आज मुझे नहीं समझ पाओगे। तुम्हें ये सब समझने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तुम समझ जाओगे। एक बात याद रखना, तुम्हारे डैडी तुम्हें बहुत ज्यादा चाहते हैं। ये बात कभी भूलना मत बेटा। I love you, daddy. I love you, Chris. तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था जोई। ये देख, $10,000 कड़क कड़क, चल अंदर। ऐश करेंगे, आजा। मुझे छोड़ दो जोई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। $10,000, $10,000, $10,000, $10,000। तुम पागल हो गए हो क्या? अबे पागल तू है, ये देख कड़क कड़क नोट, पूरे 10,000। ये बहुत सारे हैं। बिल्कुल सही कहा, पर एक बात बताओ, ये काफी नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर तुम मुझे कोई मुसीबत में फंसाने वाले हो तो मुझे पहले बता दो, समझे? मुझे कोई मुसीबत नहीं चाहिए। ये कोई मुसीबत नहीं। अब बुद्धू रोना बंद कर। 10,000, ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो बहुत पैसे आने हैं। अब मेरी बात सुन तो, ये तेरा टेस्ट था और इस टेस्ट में तू पूरी तरह से फेल हो गया। मैं फेल हो गया? अपना मुंह बंद कर और मेरी बात सुन ध्यान से। कल का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर तूने कल कुछ गड़बड़ की तो हम गए काम से। कल का दिन हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, कल हम अमीर हो जाएंगे, इसलिए अपनी इस खोपड़ी को अपने काम पर लगा, समझा? समझा कि नहीं? मुझे बस एक मौका दो, मैं कोई गलती नहीं करूंगा। कल हम अपना काम करेंगे और यहाँ से काफी दूर चले जाएंगे। ओके, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये नहीं सुधरने वाला। डॉक्टर, मैं आपका इंतजार कर रहा था। इसकी तबीयत कैसी है? सॉरी, उसमें कोई सुधार नहीं है, मगर हम अपनी तरफ से उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हौसला रखो। क्या आपको पूरा यकीन है कि इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है डॉक्टर? डोनर लिस्ट में क्रिस्टोफर का नाम ऊपर नहीं आ सकता है? देखो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अगर ये मेरे बस में होता तो क्रिस्टोफर का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर होता। आई एम सॉरी, लेकिन हमारे हॉस्पिटल के कुछ रूल्स हैं, उन्हें फॉलो करना होगा। जानता हूँ डॉक्टर, मैं समझ सकता हूँ। देखो, इस वक्त ये जरूरी है कि हम उसे ये दवाइयाँ देते रहें, इससे उसे आराम मिलेगा, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी थोड़ा आराम कर लो। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। ओके, ठीक है, ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। सब कुछ ठीक होने वाला है, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। जल्द ही तुम मां बन जाओगी। आई लव यू बेबी, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना।
सुबह हो गई पॉल। हे बेबी, कैसी हो तुम? ओह, इसने तो अभी अभी किक मारी। पता नहीं तुम लड़का हो या लड़की हो, मगर इतना जरूर पता है कि एक दिन जरूर फुटबॉल खेलोगे। हम दोनों कैसे लग रहे हैं? तुम तो हमेशा अमेजिंग लगती हो। तुम्हारा थोड़ा सा वजन बढ़ गया है। मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। हाय हनी। ओ हाय हनी, कैसी हो तुम? मुझे दरवाजे की आवाज ही नहीं आई। मैं बस अभी अभी आया। मैंने कुछ लज़ानिया बनाया था। कल रात को भूख लगी है तो खा लो गर्म करके। मैंने उसे फ्रिज में रखा है, बाई तरफ है। मैंने नया सॉस ट्राई किया है। पता नहीं, शायद तुम्हें पसंद आए। उसमें बहुत ज्यादा गार्लिक है। आज मैं क्रिस्टोफर का रूम साफ कर रही थी। मुझे लगता है उसके लिए नया बेड खरीदना चाहिए। वो अब बड़ा हो रहा है और फिर शायद हमें मार्केट में जाकर उसके रूम के लिए नया पेंट भी खरीदना चाहिए। मुझे वो कलर बिल्कुल पसंद नहीं, और नई बेडशीट्स भी। हम वो आयनिफिल वाले लेंगे जिसके ऊपर फोटोज प्रिंट होते हैं। क्रिस कल पूरी रात सोया नहीं। मैं आज उसके लिए वो शर्ट लाऊंगी, वो ब्लू वाली जो उसे बहुत पसंद थी, जिसे वो खरीदने की जिद करता था। बहुत खुश हो जाएगा। तुम आराम करो। ओके हनी। हाँ, आई लव यू। लव यू टू। ओह नो, बेबी क्या हुआ तुम्हें? सॉरी, मैं इतनी मोटी हो गई हूँ कि मैं ब्रेकफास्ट भी नहीं बना पा रही हूँ। हे, तुम मोटी नहीं हो, समझी? तुम्हें ऐसी हालत में काम नहीं करना चाहिए। डॉक्टर ने कहा था ना आराम करने के लिए। जानती हूँ। तो यहाँ क्या कर रही हो? मैं बस, तुम आराम करो, मैं साफ कर दूंगा। ओके, मैं बस ब्रेकफास्ट बनाना चाहती थी, इतना ही। मैं किसी काम की नहीं हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस तुम पर बोझ बन रही हूँ पॉल। तुम मुझ पर बोझ नहीं हो, समझी? मैं पहले ही दो बच्चे खो चुकी हूँ। मैं इसे नहीं खोना चाहती। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, समझी? तुम बस आराम करो, ओके? ठीक है, मेरे लिए बस इतना करो। हाँ। तो फिर ठीक है। I love you। अब मैं काम पर जा रहा हूँ। तुम अकेले रह पाओगी ना? हाँ। Are you sure? हाँ। ख्याल रखना और आराम करना। ओके। चलता हूँ। आई लव यू। आई लव यू टू।
सर, हम 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। थैंक यू माय डियर। वेल, हियर आई एम पोरिंग माय हार्ट आउट टू यू। वेल, यू वांट टू टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड अर्लियर विद रेफ? नो, आई कैन स्वेयर। हेलो, गुड मॉर्निंग, मैं मिसेस कैंपबेल से बात कर रही हूँ। हाँ, हाय मिसेस कैंपबेल, मैं कैथी फोर्ड बोल रही हूँ, कोस्टल सेविंग्स एंड लोन बैंक से। आपका इस महीने का ईएमआई ड्यू है और हमें नहीं मिला है मैम। लेकिन हमने तो पैसे भर दिए हैं। क्या आप एक मिनट होल्ड करेंगी प्लीज? श्योर। I'm so sorry. पता नहीं कैसे मैं EMI भरना भूल गई। हम कल तक पैसे भर देंगे। मैम, actually रूल के हिसाब से अगर आप आज नहीं भरेंगी तो आपको लेट फी पेनल्टी लग जाएगी। Yes, मैं समझ रही हूँ। मैं आज दोपहर तक भर दूंगी। आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहती हूँ। थैंक यू मिसेस कैंपबेल, हैव अ गुड डे। पॉल, हाय। मैं जानती हूँ कि तुम बिजी हो, लेकिन बैंक से कॉल आया था। उन्होंने कहा है कि हमने अगर EMI नहीं भरा तो हमें लेट फी भरनी होगी, इसलिए मैं पैसे भरने के लिए बैंक जा रही हूँ। मैं वादा करती हूँ मैं जल्दी लौट आऊंगी। ओके, लव यू। हेलीकॉप्टर नीचे लो। सर, हम लैंड करने वाले हैं। यहीं से पिकअप करना है? हाँ, प्लान चेंज हुआ तो इन्फॉर्म कर दूंगी तुम्हें। ओके, समझ गई। क्या कर रहा है तू? तैयार है तू? हाँ, चल करते हैं। तू ये सब क्यों कर रहा है? एक बात समझ ले, मॉम जा चुकी है बहुत दूर। यहां खड़े होकर उनके फोटो को देखकर रोने से कुछ नहीं होगा। हमें काम पूरा करना, और एक बहुत बड़ा काम। अगर आज कुछ गड़बड़ हुई तो हम दोनों मारे जाएंगे। ये बात तेरे भेजे में आई? अपनी इस खोपड़ी को पूरी तरह काम पर लगा।
इसे सेट करो। बस ठीक है फादर। हाँ फादर। फादर, इस बारे में हमें एक बार फिर से सोचना चाहिए। मैं यहां अपनी मनमानी से नहीं बल्कि मुझे भेजने वाले की इच्छा पूरी करने आया हूं। जून 638। कहाँ साइन करूँ? यहाँ पर। ओके। और आज की डेट भी डाल दीजिए। सॉरी, आपको वेट करना पड़ा। आप मेरे साथ आइए। अच्छा। यार मुझे बहुत नींद आ रही है। तू बोर नहीं हो रहा? नहीं, मैं ठीक हूँ। राउंड मार के आऊँ? हाँ जाओ। पक्का? या कल की तरह आ जाऊँ? थोड़ा जल्दी आना। ठीक है। जाके सो मत जाना। नहीं नहीं नहीं, बस यूं ही यार, जल्दी आता हूँ। Yes, sir.
तो तैयार है ना? मुझे खुद ठीक नहीं लग रहा। देख रहा हूँ, मेरी बात सुनो, हमें कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, हमें समझा? देख रहे, मैं नहीं जानता प्रॉब्लम क्या है, लेकिन अंदर कोई सीन मत करना। तू छत पर से सब पे नजर रखना। यस सर। मेरे ऑर्डर का इंतजार करना। ओह समझ गया। तो चले। चलो सर। सब कान खोल के सुन लो, हमें तुम्हारी जान लेने लिए। नीचे लेट जाओ, नीचे लेट जाओ, अभी के अभी। सुना नहीं? लेट जाओ सबके साथ। नीचे बैठ, वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा। और अपने हाथ ऊपर करो। नीचे ओए उन्नू के पट्टे, तुझे अलग से इनविटेशन दूं क्या? नीचे झुक, आंखें क्या दिखा रहा है? लेट जा वरना तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा, ये तेरी आंखें बाहर आ जाएगी। तुम्हें चला नहीं तुझे, चल नीचे बैठ। यहाँ किसको भी हीरो बनने का शौक है ना, तो भूल जाना, हीरो बनोगे तो जान जाएगी। उठ जा, चलो उठ, हाथ ऊपर। नहीं, क्या हुआ, क्या हुआ, तू रो क्यों रही? हाँ, हमने कुछ नहीं किया, चुपचाप यहां पड़ी रहे और रोना बंद कर। तुझे हीरो बनने का शौक है क्या? बोलना, हीरो बनना है क्या तुझे? तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? तुझे बनने की इतनी जल्दी क्यों है? चुपचाप पड़ा रहे। पैसे इसमें डाल, कोई चालाकी नहीं वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा। जल्दी कर, जल्दी कर। डिस्पैच, जल्दी कर, जल्दी कर। हाँ चला जल्दी। सुना नहीं? अगर जरूरत पड़ी तो सबसे पहले तुझे मारूंगा, ये वादा है मेरा। बैग दो अभी। हमारे बैंक में रॉबरी हो रही है, गोलियां चली हैं। बैंक 914। चाला के नहीं, क्या हुआ तुम दोनों को, ऐसे घूर क्यों रही हो? हाँ नीचे झुक जाओ और यहां से हिलना भी मत, नजरें नीचे करो। शट अप, इधर आ। मैं वहीं जा रहा हूँ। कॉपी, यूनिट्स वहां पहुंच रहे हैं। कॉपी। कैप्टन से मेरी बात कराओ प्लीज। कैप्टन हावर्ड। कैप्टन, यहाँ पर एक इमरजेंसी है, आप तुरंत आ जाइए। ओके टीम, ध्यान से सुनो, तैयार हो जाओ। इस मिशन में हम कोई रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि वहाँ पर हॉस्टेजेस भी हैं। और हमारा काम है लोगों को बचाना, तो कोई गलती नहीं, इस मिशन को खत्म करके हम घर जाएंगे।
तो क्या तुम लोग तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं। तो चलो। मैं सब कुछ दांव पर लगाता हूं। तुम वाकई ये करना चाहते हो? खेल बड़ा होना चाहिए। तुम जितना चाहो उतना टाइम ले सकते हो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। अगर मैंने साइन किया तो इतना जान लो कि हम पीछे नहीं हट सकते। मैं पीछे हटता ही नहीं। अब इस बार या उस बार, खेल का मजा तो अब आएगा। क्या हुआ पॉल, तुम ठीक तो हो? नहीं यार, मुझे लॉरेन की टेंशन हो रही है। क्यों, क्या हुआ उसे? वो इस वक्त बैंक में है। बैंक 914। हाँ 914। तुम दोनों पागल हो गए हो? तुम ये इसे क्यों नहीं समझाते? ये कोई खेल नहीं है। देखो, मैं यहाँ से निकलना है, ऐसे झगड़ा मत करो। सुन, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे वो पैसे चाहिए और मैं उन्हें लेकर ही जाऊंगा। अपनी गन्स फेंक दो, जल्दी करो, अभी के अभी फेंको, जल्दी जल्दी करो। मुझे उन रॉबर्स से बात करनी है इसी वक्त। गन्स फेंको, कोई होशियारी नहीं, नीचे फेंको जल्दी। अच्छा, कहाँ फेंको? मैंने कहा नीचे बैठो, जमीन पे, जल्दी, होशियारी नहीं, नीचे बैठो। अपने मास्क निकालो। आराम से दोस्त। मास्क निकालो, जल्दी करो। वाह क्या बात है। हाँ, हमें पकड़ लिया। सच में मैं तो डर गया। अब क्या करोगे? उप्स, कुछ नहीं कर पाओगे। कोई चलाकी मत करना, गन मुझे दे दो, जमीन पर लेट जाओ। और जरा देखो तो कौन आया है। मैं जानता था तुम्हारे होते कुछ नहीं हो सकता मेरी जान। तुम ये सब क्या कर रहे हो जोई? थोड़ी देर अपना मुंह बंद रखो, समझे? थैंक यू। तुम जाओ और सब कुछ चेक करो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए और तुम यहाँ ये सब कर रहे हो। गंदे मेरे मुझे। तुम पहले शांत हो जाओ, अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप जाकर कोने में खड़े हो जाओ। आंखें क्यों दिखा रहे हो? तुम पागल हो। चुप रहो। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें यहां से निकलना है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये शांत रहने का वक्त है। मेरी बात सुनो, पुलिस पहुंचती ही होगी, वो कभी भी आ सकती है। तुम्हें भागना चाहिए, नहीं तो बचोगे नहीं। तुम्हें बचना है तो पैसे लेकर भाग जाओ। तू अपना मुंह बंद रख, वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा। भागो। ओके, ओके, शांत रहो तुम। उठने की कोशिश मत करना। सुनो शाशा। हाँ। यहाँ सब ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अब तुम ये क्या कर रहे हो? वॉल्ट से पैसे निकालने जा रहा हूँ मैं, तब तक तुम इन सब को यहाँ पर कंट्रोल करो, समझ गए? मैं जेल नहीं जाना चाहता जोई, समझे? आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं वॉल्ट से पैसे निकालने जा रहा हूँ। ओह गॉड, तुम हमेशा रोते ही रहते हो। अपने भाई के बिना एक कदम ही नहीं उठा सकते क्या? हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। कोई से चुप कराओ प्लीज। मजा आएगा। बिल्कुल मजा आएगा, तुम्हारी चाल।
जैसा कि आप देख रहे हैं मिस्टर थॉमसन कोस्टल सेविंग्स एंड लोन में आपके पैसे बिल्कुल सुरक्षित है। आपको डेफिनेटली सामने से हट। एक गन को हाथ मत लगाना। नहीं लगाऊंगा। हाँ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। कहा था ना गन को हाथ मत लगाना। अरे यार मैंने कहा था ना कि गन को हाथ मत लगाना, फालतू में मुझे गोली चलानी पड़ी, मर गए ना तुम लोग। चलो उठो, आओ यहाँ से जल्दी ऊपर, चलो जल्दी, तेज चलो। जमीन पे लेट जाओ, जल्दी से लेट जाओ, जल्दी जल्दी करो। कोई ऊपर नहीं देखेगा। ये सब क्या है जोई? आखिर ये दोनों तुम्हें कहां से मिले? जानना चाहते हो तो बता दो। बदकिस्मती से जब मैं वॉल्स के पास गया तो वहां पर दो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, पर तुम उनकी जरा भी फिक्र मत करो। कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मुझे साफ साफ बताओ। बताता हूँ, लेकिन जरा शांत हो जा बच्चे, बैठ जा, बताता हूँ। ये सब क्या हो रहा है जोई? शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा, डर मत, घबरा बिल्कुल मत, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, शांत हो जा। तुम ये क्या कर रहे हो जोई? सुन मेरी बात, सर सब कुछ ठीक है, हमें कुछ भी नहीं होगा। सब कंट्रोल में। हाँ। क्या मतलब है तुम्हारा? तो इतना डर क्यों रहा है? तुम ठीक तो हो ना? आराम से। हाँ क्या मतलब है कि मैं ये क्यों कर रहा हूं? मैं ये हम सब के लिए कर रहा हूं। तुम्हारा ये प्लान था जोई, ऐसे में हम पकड़े जाएंगे। फिर कभी ऊंची आवाज में बात मत करना, एक ही बार कहूंगा। मैं बस यहां से निकलना चाहता हूं जोई। और मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन कभी कभी प्लान में चेंज भी करना पड़ता है। ओके, लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है, जिंदगी इसी का नाम है। आज तुम मुझे फंसा दोगे, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हो। तू कभी कभी भी नहीं बदलेगा रॉन, हमेशा अपनी किस्मत पर रोता रहेगा। एक बात बताओ, भाड़ में जा रॉन, और भाड़ में गया तेरा वो दोस्त। ओके, भाड़ में गए तुम दोनों। अगर तुम दोनों को लगता है कि मैं तुम लोगों को मुसीबत में डाल रहा हूं, तो याद रखो मैं ही हमेशा की तरह तुम्हें बचाऊंगा, मैं ही बचाता है और मैं ही तुम्हें आज भी बचाऊंगा। और वो कौन है ये मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, उसे मार भी दूंगा अगर जरूरत पड़ी। मैं यहाँ आया हूँ हम दोनों के लिए पैसे लेने, और मैं वो लेकर ही जाऊंगा, क्योंकि वॉल्ट में जो पैसा है उस पर हमारा हक है। अगर तुझे चाहिए तो यहाँ पर रुक, वरना अपने उस दोस्त के साथ निकल जाए। तुम कुछ परेशान से दिख रहे हो। तुम्हारी चाल। वहां क्या हो रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है, जल्दी आओ। क्या कर रहे हो तुम? दो गार्ड्स मर चुके हैं, तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं नीचे जाऊंगा और उस वॉल्ट में जितना पैसा है उसे निकाल कर ले आऊंगा, ताकि हम आराम से जी सके। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, समझे तुम? साशा, तुम मेरा साथ दोगी या नहीं? मरते दम तक। शाबाश। टेंशन मत ले, तीनों बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। मैं नहीं ले रहा हूं टेंशन। तू टेंशन ले रहा है? अरे कैसे नहीं लूं टेंशन, उनको इतनी देर क्यों लग रही है? मुझे क्या मालूम तुम लोगों को इतनी देर क्यों लग रही है, जल्दी करो। फादर,
इस बारे में हमें एक बार फिर से सोचना चाहिए। फादर उसकी मदद कीजिए प्लीज। जो कोई ईश्वर का फैसला सुनाने वाले जज या प्रीस्ट के खिलाफ जाने की गलती करेगा उसे मरना ही होगा। ड्यूटरोनमी 17:12। मेरे पास वक्त भी है और पैसा भी। अरे ये लोग यहाँ कैसे आ गए? मुझे जाने दो, मेरी बीवी है। ऑर्डर्स मिलने तक रुक नहीं सकते। अगर डेनिस अंदर होती तो क्या तुम ऑर्डर के लिए रुकते? हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें अंदर चलना चाहिए। मैं एक एक को गोली से उड़ा दूंगा, मेरे पीछे आओ। अगले 5 सेकंड में 2 स्क्वाड ऑफिसर अंदर घुसने वाले हैं साउथ एंट्रेंस से। सिर्फ 2 ही लोग हैं, मेरे पीछे आओ। गोली चल रही है, मुझे उनसे बात करनी है। रुक क्यों गया, हिम्मत है तो अंदर आना। मजा है। मैंने कहा था ना मेरे बंदे काम जानते हैं। सब ठीक है, टेंशन नहीं। हाँ बिल्कुल। धूम धड़ाका, अच्छी चाल है। तुम्हारी चाल। कैप्टन हमें डायरेक्ट लाइन मिल गई है। कैप्टन हमारे लोग तैयार हैं। हेलो, मैं कैप्टन हॉवर्ड बोल रहा हूं, तुम अपनी पहचान बताओ। ये कैसा बकवास सवाल है, तुझे क्या लगता है कौन हूं मैं? बेवकूफ इंसान। मैं वो हूं जो तेरा बैंक लूट रहा है इस वक्त। मैंने गोलियों की आवाज सुनी। ये बताओ अंदर क्या हो रहा है? गोलियां नहीं चलाता तो क्या तुम्हारा स्वागत करता? तुमने 2 स्वॉट्स को अंदर क्यों भेजा? मैं उसके लिए माफी चाहता हूं और ये दोबारा नहीं होगा। क्या हम बात कर सकते हैं? आखिर तुम्हें चाहिए क्या? तो तुम डील करना चाहते हो, ठीक है तो फिर डील सुनो। ये बहुत आसान है, हम सारा पैसा रखेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। कोई खून खराबा नहीं, समझ गए? तुम जानते हो कि ऐसा नहीं हो सकता। चलो काम की बात करते हैं। क्यों ना तुम दरवाजे पर आओ और हम आमने सामने बात करें। नहीं, हम बाहर नहीं आएंगे। अगर तुम्हें डील मंजूर नहीं है तो फोन क्यों किया? इसके बाद फोन मत करना। चल फोन रख। अब नहीं बचेगा ये। अरे यार, सबके सब पागल लग रहे हैं। मुझे वॉकी टॉकी देना। स्मिथ, बिशप, तुम कहां हो अभी? हम पोजीशन पर हैं, आपके ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। जॉनसन, तुम क्या कर रही हो अभी? सर, हॉस्टेजेस पे मेरी पूरी नजर है। पॉल कैंपबेल और विलियम्स, तुम्हारी पोजीशन क्या है? विलियम को गोली लगी है सर, बस छू कर निकली है। माफ करना सर, हमने जल्दबाजी की। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ सर, लेकिन मेरी बीवी अंदर फंसी है। मुझे मेडिकल टीम चाहिए। ठीक है कैप्टन। तुम्हारी चाल, ये तुम्हारी चाल है। एक बार फिर से सोच लो। जरूरत नहीं है। तुम्हारी चाल। मेरी तरफ देखना बंद करो। उसे यहां जल्दी लेकर आ।
चल जल्दी कर, लेकर आओ उसे। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो यार, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो। चुप रहो। नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ रहे हो यार, मुझे कुछ मत करना। निकलो यहाँ से, मैं जेल नहीं जाना चाहता, मैं जेल नहीं जाना चाहता। छोड़ दो, छोड़ दो, बंद करो, चुपचाप यहाँ पड़ा रहे। तुम तो गए, तुम्हारी बारी। तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? आराम, समझ कर चलो। बात क्या है? आप खुद ही देख लीजिए सर। अगला भी मरेगा, इसे मेडिकल टीम के पास लेके जाओ, जाओ जाओ। अब नहीं छोड़ूंगा इसे। हाँ तो मेरा मैसेज मिला तुझे? हाँ, तुम्हारा मैसेज तो मिल गया, अब आगे बोलो। तो मेरी बात ध्यान से सुन, हमें इस बैंक से बाहर निकलना है, समझ गया मैं क्या कह रहा हूँ? अगली बार तेरे लिए लाश भेजूंगा, समझा? समझा कि नहीं? हाँ समझ गया। तेरे पास 30 मिनट है। 30 मिनट, कोशिश करता हूँ। तुम इसे छोड़ चलो, चलो उठो, पीछे हट, चुपचाप बैठा रहे। प्रेग्नेंट है, समझो, समझो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चुपचाप बैठा रहे। चल, प्लीज मुझे मत ले जाइए, इसके बाद मत सुनो, ले जाए इसे बाहर। प्लीज अपने हाथ खोल, उठ, बाहर देख, मेरी तरफ देखना बंद करो। एक फीमेल हॉस्टेज मुझे खिड़की के सामने दिख रही है, लेकिन साथ में कोई नहीं है। कैप्टन, कुछ हलचल हो रही है, सब तैयार हो जाओ। फादर, प्लीज उसकी मदद कीजिए। उन्होंने एक प्रेग्नेंट औरत को गन पॉइंट पर रखा हुआ है, जो खिड़की की तरफ देख रही है। प्लीज फादर, उसकी मदद कीजिए। मुझे नहीं मरना, वो मरना नहीं चाहती है। मुझे नहीं मरना, उसे छोड़ दो। तो चुप कर, खिड़की के बाहर देख, मेरी तरफ मत देख। मुझे नहीं मरना है, मुझे नहीं मरना है। तो तुम अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। कुछ करना होगा, प्लीज उसको बचाइए, बचाइए उसे। हमें ऊपर वाले की दिखाई राह पर बिना डरे चलते रहना चाहिए। अपने दिल में हमेशा दया रखें और जरूरत के वक्त लोगों की मदद करने से ना हिचकिचाएं। Hebrews 4:16। पॉल कैंबल, रुक जाओ। नहीं कैंबल, मैंने कहा रुक जाओ। क्या हो गया तुझे? मेरी सांस मैं नहीं ले पा रही। थोड़ी देर में उसकी वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगी, दुआ मांग कि हमारा काम पूरा हो जाए, वरना तू बच नहीं पाएगी। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा। तुम उसे कुछ नहीं करोगे बोन्स, अपनी गन नीचे रखो। मैंने कहा गन नीचे रखो। तुम सच में पागल हो गए हो। तो अब हम क्या करेंगे? हम किसी बच्चे की जान नहीं लेंगे। तू पागल हो गया क्या? क्या करने वाला था? तो तुम सब यही चाहते हो ना कि हम पकड़े जाएं और जेल में सड़ते रहें? बकवास बंद करो अपनी। प्लान बी क्या है? ए तो हो गया, तू पागल हो गया है। अपना दिमाग ठिकाने रख, खोपड़ी को शांत रख, यह हमें मरवा देगा, इसे गोली मारनी पड़ेगी।
बादल। हेल मत। मैं उसका इनहेलर दे रहा हूं वरना वो सांस नहीं ले पाएगी। हीरो बनने की कोशिश मत करो। मुझे दे वो। यहां से हिलना नहीं। अब क्या करोगे? चाल में तो दम है। ये चाल तुमने सोची? क्या हो रहा है? तुम लोग क्या कर रहे हो? बाहर निकलो। पुलिस ने हमें घेर लिया है। हाँ पता है। हमें प्लान बी शुरू करना होगा। तुम लोगों का बचना मुश्किल है। प्लान बी सुनाई नहीं दे रहा क्या? ठीक है प्लान बी। चल भाई काम पर लगते हैं। चलो चल। प्लान बी क्या है बॉन्स? एक कार आ रही है। गाड़ी कंट्रोल। डैनी चलो चलो डैनी मैं जानता हूं तुमने चीटिंग की। कभी कभी सब सामने होता है पर हम देख नहीं पाते। पुलिस अंदर घुसने वाली है। खड़ा खड़ा हो, खड़ा हो वरना जान से मार दूंगा। मुझे छोड़। खड़ा हो, अगर जिंदा रहना चाहता है तो खड़ा हो। चल चल चलो। रुक जाओ, मास्क दो मुझे, जल्दी से मास्क दो। ये लो, इसे पहनो जल्दी। वो भी दो। ये लो। वहां
नीचे जाए, कोई फायर मत करना, बंदूक नीचे रखो, गोली मत चलाना, नीचे रहेगा कोई भी, बंदूक नीचे रखो, उनके आने का इंतजार करो, बंदूक नीचे रखो। तुम्हें क्या लगता है मैं इसे नहीं मारूंगा, हाँ जान से मार दूंगा इसे, समझे? मैं जीना चाहता हूँ। क्या वो तुम्हारे निशाने पर है? मैं जीना चाहता हूँ। नेगेटिव, निशाना क्लियर नहीं है। मैं जीना चाहता हूँ। प्लीज मुझे जीने दो, मैं जीना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ। निशाना लगाइए। मैं जीना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ। वो बचना नहीं चाहिए। जो भी ऊपर वाले का नाम लेगा उसकी रक्षा वो खुद करेगा। रोमन्स 10:13। थैंक्स अ लॉट। मॉम जा चुकी है। ये लो, इसे पहन लो, आराम से सांस लो। ये क्या कर रहा है रॉन? नीचे झुक, तो उसके निशाने पे है। ओफ, ये क्या हो गया? नहीं रॉन, और रॉन कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा, चल उठ उठ उठ, रॉन कुछ नहीं होगा तुझे, चल मत, आजा रॉन, रॉन उठ, मैं नहीं उठ सकता, आंखें खोल रॉन, कुछ नहीं होगा तुझे, तू ठीक है, कुछ नहीं होगा तुझे, रॉन आंखें खोल, मैं मरने वाला हूँ, नहीं 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 रॉन, देख देख तू ठीक हो जाएगा, मेरी बात सुन, तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं होगा, याद है मैंने तुझसे क्या कहा था कि ऐसे पैसे लेके हम बहुत दूर चले जाएंगे मौज मस्ती करने? नहीं नहीं रॉन, मुझे छोड़ के मत जा, रॉन मुझे छोड़ के मत जा, ये सब तेरी गलती है, मेरे कारण तेरी जान जा रही है रॉन, मेरे कारण जान जा रही है, मेरी गलती है ये रॉन, मुझे माफ कर देना, आई एम सॉरी रॉन, आई एम सॉरी। जोई, देखो तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या करने वाले हो? जोई, जोई, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था। हट जाओ मेरे रास्ते से। नहीं जोई, बंदूक नीचे करो। तुमने मेरे भाई को मारा, पर क्यों? नहीं।
हेलो, मुझे लगता है तुम ये बाजी हार चुके हो। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो, मेरे पास पूरा दिन नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं। गुड। कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। कल सुबह ये पेपर मेरी टेबल पर होना चाहिए। यस सर। मैं तुमसे जल्द मिलने आऊंगा। मैं भी यही चाहता हूं। यस। वो जिंदा बाहर नहीं निकलने चाहिए। वो जिंदा बाहर नहीं निकलने चाहिए। जाओ, मारो उन्हें। तैयार हो जाओ। मेरे पीछे आइए। यहाँ पर मल्टीपल कैजुअलिटीज हुई है, प्लीज आप यहाँ पर जल्दी से एम्बुलेंस लेकर आ जाइए। थैंक यू। ये लीजिए सर, आपकी मुचरें। थैंक्स। माय गॉड बेबी, तुम कितनी बहादुर हो। थैंक गॉड तुम बच गई। आई लव यू सो मच। सब ठीक हो जाएगा, घबराओ मत। मैंने सोचा ये डील किसी के फायदे की नहीं है, लेकिन मेरे पास एक रास्ता है जिसमें दोनों का फायदा होगा। सर, आप इस बेवकूफ की बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। हाँ, हमें अभी यहां से जाना चाहिए। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। इस वक्त तुम मेरे अड्डे पर खड़े हो। खत्म कर दो इसे। तुम कहां जा रही हो? होशियारी नहीं। अगर तुमने जरा भी हिलने की कोशिश की तो तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा। मुझे मेरा डॉक्यूमेंट चाहिए। मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसी गलती नहीं करता। याद रखो, मेरा निशाना कभी चूकता नहीं है। चेकमेट। निकलो यहां से। इस बार तो तुमने मुझे चेकमेट किया, अगली बार खेल मैं खत्म करूंगा। इंतजार करना मेरा।
मैं बैंक के अंदर काउंटर पर था और ये लड़की अचानक मेरे सामने आ गई। सिक्योरिटी वाले ने रोकने की कोशिश की थी लेकिन सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। ओके सॉरी, मुझे कॉल लेनी पड़ी, एक मिनट। कोई बात नहीं, बात कर लीजिए। थैंक यू। हाय हनी। वाओ, थैंक यू। मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम सच कह रही हो ना? अब सब ठीक हो जाएगा ना? ओके। जॉनसन, तुम कमाल का निशाना लगाती हो। सर, मैंने गोली नहीं चलाई थी। एक हार्ट मिल गया है। तुम ठीक हो जाओगे। I love you, mommy.